गुड मॉर्निंग सर। बस गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है लॉकडाउन में आपका? सर बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हो तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और ये समझो दिस इज अ गोल्डन गोल्डन टाइम पीरियड, यानी कि ऐसा टाइम है जब आप अपने लिए बहुत ज्यादा टाइम निकाल सकते हो। बहुत सी चीजें जो आप कर सकते हो, जैसे अगर आप अपने होम पर किचन गार्डन यानी कि बैकयार्ड सेट कर सकते हो, टमाटर के कुछ बीजों को मिट्टी में डाल दो, बैंगन के कुछ बीजों को मिट्टी में डाल दो, वो ऑटोमेटिक उग जाएंगे। हाँ तो सर, ये तो रोजाना करता हूँ सर मैं। अच्छा, ये रोजाना करते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप अपना टाइम पास कर सकते हो नई स्किल्स को सीख करके, जैसे डेटा साइंटिस्ट वगैरह, पाइथन में और ज्यादा आगे जा करके, है ना? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से सीख लो और फिर आप आगे चल सकते हो। दूसरी चीज ये है, जैसे ग्राफिक्स के लिए मैंने काफी देखा, लेकिन वहां पे एक छोटी सी चीज है कि ग्राफिक्स वाले जो प्रोजेक्ट है अपन 12th के लिए नहीं बना सकते, लेकिन हाँ आप अपने लिए बना सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ एक्चुअली कौन कौन सी लाइब्रेरीज है, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं तब, तो बाकी स्टूडेंट भी आ जाएंगे। सो फर्स्ट हम एक काम ओके करते हैं, सर। यहाँ पर देखो कुछ जो लाइब्रेरीज है जो मुझे ठीक लगी, जो जनरल लाइब्रेरीज है टी के एंटर है आपकी, उसके लिए आपको क्या है कुछ भी इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल है इसका, जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो इसका जो एक्चुअली इसमें आपको क्लास भी सीखनी पड़ेगी। जब तक आप क्लास नहीं सीखोगे, जैसे ये वाला कोड है, तो आप ये कोड क्या करो, पहले इस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करो, ये डिफॉल्ट लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप क्या ग्राफिक कंटेंट बना सकते हो, और फिर उसके बाद में आप इसके आगे का कोड देखोगे थोड़ा कंफ्यूज जाओगे। रीजन क्या है कि उसमें क्लासेस यूज की हुई है और क्लासेस अभी आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि जब तक आप ऊप्स का मेथड नहीं समझोगे तब तक आप ये बिल्ड नहीं कर पाओगे अच्छे से। यानी कि समझो कि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। एक बार इसको मैं रन करके बता देता हूँ आपको इस कोड को, और फिर भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी ईजी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको। बस इस कोड को क्या किया, जैसे हमने कॉपी कर लिया अभी, तो है ना, इस कोड में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना किया है कि इन्होंने यहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया ये वाला, ठीक है, और मेन लूप यानी कि एक फंक्शन कॉल कर दिया। तो ये मेन लूप वाला फंक्शन है। अब इसको हम एक बार यहाँ पे आइडियली में पुट करके देख लेते हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी इतनी अच्छी नहीं है, इसकी ग्राफिक्स बस ये कि हाँ काम चलाऊ है, कि आप इसको यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और कुछ लाइब्रेरीज है जो बहुत अच्छी लाइब्रेरीज है, उससे बहुत एडवांस एप्लीकेशंस बनी हुई है, तो वो जो लाइब्रेरी है तो इन सब का मेथड सेम ही चलता है। इनमें भी आपको एक पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को कॉल करना होगा। तो हम एक यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेते हैं, जैसे ये नई फाइल ओपन कर ली, ये सेव किया। अब इसके लिए आपको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत, सिर्फ एक इंपोर्ट करनी है फाइल, तो यहाँ पे T1 T2 कर देते हैं इसको, .py सेव किया और बस रन कर दो इसको। इस लाइब्रेरी की जो ग्राफिक्स है वो ज्यादा इतनी अच्छी, नो मॉड्यूल नेम टीके एंटर, हाँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ये कैपिटल में आ गया ना, अरे ये क्या करवा रहे हो? ये देखो एक ग्राफिक्स वाला ये देख रहे हो ना आप, ये अब ये फ्रेम बन गया। इस फ्रेम में जो तीन बटन्स हैं ये मिलेंगे आपको, तो ऐसे आप क्या करोगे अपनी जो एप्लीकेशन बनाओगे वो ऐसे ग्राफिक्स वाली बना सकते हो, बट इससे अच्छी सर लाइक यस सर जो पिछले ईयर के बच्चे थे उन्होंने तो सारे GUI बनाए नहीं। हाँ उन्होंने नहीं बनाए थे, मैं कह रहा हूँ आपको भी जरूरत नहीं बनाने की, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप अगर चाहो तो कर सकते हो, और अगर आपको GUI करना ही हो तो उसके लिए जो लाइब्रेरी हो कौन सी यूज करना मैं बता देता हूँ। एक है WX लाइब्रेरी। सर मैंने ट्विंट इसे बनाया सर ट्विंटर से ही। अच्छा इसी से बना है, देखो दोनों में सेम ही है। इससे क्या करोगे आप, इसमें क्या है आप बहुत अच्छी, और इसमें क्या ग्राफिक्स अच्छी आती है। टीके एंटर की ग्राफिक्स तो अपन नहीं कह सकते, बट इसकी जो ग्राफिक्स है वो काफी अच्छी है। इसको कुछ नहीं, बस इंपोर्ट WX करके लिखना और ये बन जाएगा। जैसे इसका भी एक मैं आपको डेमो बता देता हूँ,
यहाँ पर ये वाली आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें भी देखो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो इसका मीन्स ये कि आपको ग्राफिक्स वाला यहाँ पे नहीं बनाना है, सीधी सी बात ये है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, चल देखते। ये देखो ये आपका हो गया। इसमें एक्चुअली क्या, जो कंटेंट और जो बटन आते हैं ना, वो अभी के ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग आएंगे इसके, और इसमें आप आइकन वगैरह जो भी है मैन्युअली सेट कर सकते हो। चलो ये तो बात हो गई ग्राफिक्स की, अब अपन कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ग्राफिक्स में बनाने की जरूरत नहीं है, आप किस में बनाओ, डायरेक्टली टैक्स बेस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सेप्ट वही करेंगे, क्योंकि तो मैंने सीबीएसई आपसे जो, पूछा था सर, आपने बोला टेस्ट जीयूआई बनाना है। नहीं जीयूआई मुझे लगा कि भाई अपन शायद इस बार अपडेशन में कर सकते हैं, बट जो गाइडलाइन है सीबीएसई की, उसके अंदर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपको जीयूआई से बनाना है। तो हम कोई बात नहीं कमांड मोड वाला यूज करेंगे, हाँ, बट अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बट इसमें क्या लेकिन क्लास के उसमें बहुत कॉन्सेप्ट टाइम है। लग रहा है हाँ सर उसमें तो। वो तो है, कोई भी अच्छी चीज बनने में टाइम तो लगता ही है। चलो कोई नहीं, आप तो सीधे सीएमडी में बनाओ, और फिर आपको अपने सॉफ्टवेयर में जहाँ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता देना, क्लास में उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे और पूरा भी कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, कल जो हमने फोर लूप किया था उसमें किस 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 को दिक्कत आ रही है बताओ पहले तो। जो फोर लूप वाला कॉन्सेप्ट हमने किया है उसमें किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा मैं अगर आपको कहूं कि आप एक सीरीज प्रिंट करो, जैसे मान लो ये वाली, तो ये आप इजीली कर सकते हो, कल किया था हमने, तो इसका मुझे एक बार कॉन्सेप्ट समझा दो आखिर ये कैसे बनेगा इस तरह का, ये सीरीज अगर बनानी है तो। ये हमने कल किया था फॉर लूप के थ्रू, इसमें दो लूप चलेंगे, और आज का टास्क आपके लिए है ये वाला कॉन्सेप्ट बना, ये वाला कॉन्सेप्ट बताओ ये कैसे बनेगा। ये वाला लूप बना के बताना आपको, कि पहले तो होता है उसमें कितने लूप यूज आ रहे हैं, आइडिया से बताओ ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कितने लूप्स यूज आ रहे हैं। इसमें तो आपको पता है टू लूप्स का यूज है, बट इसमें कितने हैं? अरे कुछ तो आइडिया दो, देखो अब आइडियली में हम एक काम करते हैं, ये फाइल हमने ओपन कर ली, और कल जो हमने यहाँ पे रन किया था मॉड्यूल, ये आपने रन किया था तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, जैसे आप रन कर रहे थे तो ये इस तरह से आ रहा था। और नॉर्मल में अगर आप देखो इसको, तो अगर आप इसको रिवर्स ना चला करके अगर आप ऐसे चलाते हो, देखो तो ये चल रहा है, अब ये वाला तो बन गया इजीली, बट ये कैसे बनेगा ये वाला, इसमें आपको थ्री लूप्स यूज करने पड़ेंगे। पहला तो यहां चलेगा, फिर तभी तो आप इसको सेपरेट कर पाओगे, क्योंकि ये वाला तो इजीली बन रहा है, ये कैसे बनेगा तो वो हमें यहाँ पे देखना है। इस वाले लूप को बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, देखो आपसे मैं आइडिया लेता हूँ, आप ही बताना, ये वाला तो इजीली बन रहा है, तो हमें क्या करना होगा भाई, इसको शिफ्ट करना है इस तरफ, तो हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ पुट करना पड़ेगा, तब जाके तो इधर शिफ्ट होगा। ये मींस कि आप ये समझो जैसे कि ये हैश है, ये 4 हैश है और 1 स्टार आया, फिर यहाँ पे हैश क्या हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, और यहाँ पे ये स्टार इंक्रीज हो जाएंगे, फिर हैश और कम हो जाएंगे, और स्टार यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे करते करते ये जो आपका लूप है ये बनेगा इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ पुट करना होगा। तो एक तो होगा जो मेन लूप जो स्टार्टिंग में ऑन चल रहा है, और फिर होंगे दो इनर लूप, एक ये वाला और एक ये वाला, तब जाकर के आप इस तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो इसको हम इसी के कॉन्सेप्ट से एक बार देखते हैं। देखो ये हमने क्या किया, आई के ऊपर डिपेंड किया, तो हम अब यहाँ पे हमें कितने लूप की रिक्वायरमेंट होगी, हमें दो लूप की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे,
एक लूप तो आपने आईपी डिपेंड करवाया, इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला शिफ्ट हो जाए इधर की तरफ, ठीक है। तो इसको एक काम करता हूँ, स्टार में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये स्टार वाला हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसको रन करते हैं, ये वाला आ गया। अब हमें क्या है, अगर स्टार को शिफ्ट करना है दूसरी तरफ तो हमें एक लूप और चलाना होगा। तो ये लूप कैसे चलेगा कि अगर ये लूप वन टाइम चल रहा है तो ये लूप कितने टाइम चलना चाहिए, 4 टाइम चलना चाहिए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, बताओ कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने 5 से स्टार्टिंग की, ठीक है, कॉमा किया और फिर आपने डिपेंडेंसी कर दी किसके ऊपर, आई के ऊपर, ठीक है, आई प्लस 1 के ऊपर कर दी, या चलो आई के ऊपर ही कर दी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आपने क्या क्या प्रिंट किया, और प्रिंट कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं, हैश। और यहाँ पे हमने यूज कर लिया एंड इक्वल्स टू ब्लैंक, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज करना है, कोई गैप हमें नहीं देना है। तो अगर अब हम इसको रन करें तो क्या आउटपुट होगा इसका, कि यहाँ पे टी रेंज, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे रेंज, हाँ रन इट। देखो अच्छा बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली रिवर्स चल रहा, तो रिवर्स में माइनस भी तो करना पड़ेगा, ये कैसे भूल गए हम। चलो रन करते हैं। तो अब इस चीज को समझो, देखो अब ये वाली जो सीरीज है ऐसी बनी है ना, ये एक दूसरी तरह की सीरीज बनी है। अगर आप अभी हैश को की जगह स्पेस यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, और आप रन करो इसको, तो ये किस तरह की सीरीज बन जाएगी, इस तरह की। ऐसी सीरीज भी आपने अपने बुक के अंदर देखी होगी, बट हमें क्या करना है, इसको सीरीज को तरीके से बनाना है, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा बाकी सीरीज के बारे में, कि इस तरह की सीरीज आप बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, बट आपको क्या थोड़ा सा और शिफ्ट करना होगा। तो क्या करें बताओ, आप मुझे आइडिया दो क्या करें। अरे बताओ, आपका इस टेस्ट चल रहा है ये समझो, ये क्या कितने टाइम चल रहा है, 1 टाइम चल रहा है। अब आपको इसको इस तरीके से अलाइन करना है कि ये क्या करे यहाँ पर अलाइनमेंट। ये देखो यहाँ पे कितने स्पेस रखे आपने, 5। अब कितने और स्पेस रखे कि ये ऑटोमेटिक यहां तक आ जाए, इस लेवल में आ जाए। तो ऐसा क्यों हुआ पहले तो ये बताओ आप, इसका रीजन आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, स्पेस यूज किया हुआ है। अगर आप इस स्पेस को रिमूव कर दो और सेव कर दो, ऑफिस को रन करो, तो यू कैन सी आपका जो स्ट्रक्चर है वो वाला स्ट्रक्चर बन गया है जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था। कैसे, फर्स्ट फिर यहाँ पे सेकंड, इस तरीके से, फिर ये थर्ड वाला, ये वाला ब्लैंक स्पेसेस है और ये आपकी सीरीज है। अगर आपको इसमें चेंजेस करना है, इस वाली सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे बस स्टार के बाद में क्या करो, एक एक्स्ट्रा स्पेस पुट कर दो। तो देखो ये वाला आपका पिरामिड बन जाएगा, आप इस तरह का पिरामिड भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे पहले तो ये तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। अरे हाँ या ना तो बोलो, मैंने अनम्यूट तो नहीं कर दिया किसी को, एक मिनट चेक कर दो। अरे अब माइक अनम्यूट करो और कम से कम कुछ तो बताओ। नहीं आया समझ। नहीं आया समझ, आ ये बोलो ना यार, सीधे सीधे बोलो। हाँ तो देखो एक्चुअली अगर आपको कभी भी इस तरह की सीरीज मिले, और अगर आपको एक्सटर्नल कभी भी इस तरह की सीरीज प्रिंट करने के लिए कहें, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा उसको डिकोड करना, कि आप उसको डिकोड कैसे करते हो। तो डिकोड करने के लिए, जैसे मान लो उसने कहा कि भैया ये वाली सीरीज बनाओ, कौन सी वाली, फर्स्ट, देखो मैं आपको अलग अलग सीरीज का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि कौन सी सीरीज कैसे डिकोड होती है। अब आपको तो पता ही नहीं है कि बनाना कैसे है, ठीक है, नहीं पता आपको। उसने कहा भाई ऐसा बना के बताओ आपको,
प्रोग्राम ऐसा बनाओ जिससे ये प्रिंट हो जाए। तो आपने आइडिया लगाया भाई ऐसा है कि एक लूप से तो पॉसिबल है नहीं ये चीज, कम से कम दो लूप तो चाहिए हमें। भाई पहला लूप क्या करेगा, जैसे अगर इसको आप इस तरीके से देखो बिल्कुल सिंपल मेथड से, अगर आप एक सिंपल दो लूप चलाते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपने फोर लिया फर्स्ट वाला, फोर आई इन रेंज आपने ले लिया 1,6 और प्रिंट करते हो, ठीक है, ये आपने प्रिंट किया और यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा है, से मान लो स्टार ही लिखा, तो ये लूप तो एक ही बार चलेगा। ये लूप कितनी बार चलेगा, ये तो एक ही बार चला। एक बार का मीन्स ये है कि एक सिंगल लाइन को प्रिंट कर रहा है ना, ये समझना आप। ये देखो इसने तो सिंगल लाइन को प्रिंट किया, तो हमें कितनी लाइनें चाहिए, हमें तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव लाइंस तो चाहिए, यानी कि मुझे इस लूप को कितनी बार चलाना होगा, 5 टाइम्स चलाना होगा। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और फोर लूप लिया, जे इन रेंज 1, सेम मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा और फिर क्या किया, यहाँ पे इस लूप को सेट कर दिया। देखो मैं ऐसे करके बता रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए, ठीक है। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। हाँ आप ठीक है, रन करते हैं, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसको मैं एक बार वापस से रन करता हूँ, है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझना। देखो अब ये क्या हुआ भाई, 1, 2, 3, 4, 5 वो लूप चला, फिर हमने क्या यहाँ पे गैप नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5 5 टाइम फिर आ गया। फिर ये देखो अब इनको ब्रेक करना है हमें, तो ब्रेक कैसे होंगे, ये ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा भाई, ये लूप कहाँ पे एंड हो रहा है, वाला फोर वाला, ये लूप जहां पे एंड होगा उसके बाद इस लूप को एंड होने से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रिंट वाला स्टेटमेंट पुट कर दोगे। अभी प्रिंट वाले स्टेटमेंट का क्या रोल होगा, प्रिंट वाले स्टेटमेंट का रोल ये है, एक बार मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, है ना, नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो किसी भी, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लूप बनाना हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 12th, 30th अप्रैल 21, चलो ये तो हो गया फर्स्ट वाला, और एक मैं आपका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, वेट। ओके डन, अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना और आज अप्लाइड करके देखना। अच्छा पहले ये देखो मैंने क्या किया, पहले क्या हो रहा था, ये लूप जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ तो ये कितने टाइम चला, ये चला 5 टाइम्स चला, ये लूप एंड हो गया इस जगह, है ना, यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद ये जो लूप है कहाँ एंड हो रहा है, ऊपर वाला यहाँ पे एंड हो रहा है भाई, इसका आप वो देखो इंडेंटेशन देखो। अब क्या कर रहे हो आप, जब इसको रन कर रहे हो तो रन करते क्या हो मिल रहा है आपको, देखो रन करते ये इनर जो, जैसे ये वाला लूप ऊपर वाला लूप फर्स्ट टाइम चला, है ना, फर्स्ट टाइम चला, तो नीचे वाला लूप कितने टाइम चल रहा है, अंदर वाला कितने टाइम चला, अरे बताओ कितने टाइम फाइव चला, टाइम चलाना है। यस 5 टाइम चला। उसके बाद ये लूप एंड होने से पहले हमने क्या पुट किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट। ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जब ये लूप वापस से स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, न्यू वाली लाइन से। तो इससे क्या हुआ, यानी कि हमें अगर ऐसे सीरीज में प्रिंट करनी है तो हमें कितने मिनिमम टू लूप्स तो चाहिए ही चाहिए, बिना टू लूप्स के हम ऐसा प्रिंट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, जैसे पहला फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ ये वाला। अगर आपको कहा जाए कि एक्सटर्नल साइड दैट कि ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करो जिससे ये वाला स्ट्रक्चर बने, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो क्या करते हैं कि देखो ऊपर वाला लूप स्टार्ट है, तब जाके नीचे वाला लूप कितने टाइम चल रहा है, 5 टाइम चल रहा है। तो अब यहाँ देखो ये कितने फर्स्ट, कितना है 1 है, फिर यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितने 3, फिर 4 और 5। अगर आप एक चीज मेजर करो तो जैसे मान लो ऊपर वाला लूप फर्स्ट टाइम चला तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, फिर वो लूप सेकेंड टाइम चलेगा तो 2 हो जाएगी, फिर थर्ड टाइम चलेगा तो 3 हो जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो यहाँ प्रिंट हो रही है इनर वाले लूप की, वो हमें डिपेंड करवानी किस पे, ऊपर वाले लूप के ऊपर। तो ये जो आपका लूप है, अगर मैं इसको 5 तक ना चला के कहाँ तक चला दूँ, i+1 तक, क्योंकि आपको पता है n-1 वाला कॉन्सेप्ट चलता है, तो i की जैसे वैल्यू 1 हुई तो ये क्या चलेगा, 1 से 1 तक चलेगा,
तो ए के बार प्रिंट करेगा, फिर जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू, सॉरी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे आएगा यहाँ पर, सॉरी हमने आई नीचे यूज कर लिया, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू, टू प्लस थ्री, यानी वन से लेकर के टू तक चलेगा तो दो बार प्रिंट कर देगा, ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो अब इसको रन करते हैं, देखो ऊपर वाले लूप की वैल्यू वन थी तो इसने अंदर वाला लूप कितने टाइम चला, वन टाइम, फिर ऊपर वाले लूप की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई, तो नीचे वाला लूप कितने टाइम चला, टू टाइम्स, जब ऊपर वाले लूप की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी, तो नीचे वाला लूप कितने टाइम चलेगा, थ्री टाइम्स। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका बन के तैयार। अब ये बताओ इस वाले लूप में किसको कंफ्यूजन है, पहले तो ये समझाओ, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है क्लियरली बोलना, नहीं समझ में आया तो क्लियर बोलना, सर नहीं आया समझ में, दैट्स इट। अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं आया तो क्लियर बोलो नहीं आया, अगर आप 50 बार भी कहोगे ना तो मैं इस चीज को 50 टाइम्स रिपीट करूंगा अलग अलग तरीके से। सर थोड़ा एक बार आपस में चलो। हाँ ठीक है, देखो तो अभी मेरा क्या हो गया, ये वाला जो सिंपल मेथड है वो नहीं आया आपको समझ में, है ना, तो अब हम ट्राई करते हैं दूसरे मेथड से। चलो सपोज करो अब अपन एक एग्जांपल देंगे, किसी दूसरे तरह का एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। देखो अब इस वाले स्ट्रक्चर में आप जैसे ये समझो कि आपके पास कुछ पैक, आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आपके पास ऑर्डर आते हैं कि ये पूरा एक कार्टून है, ठीक है, अच्छा एक दर्जन के अंदर कितने, एक दर्जन बनाना में कितने केले आते हैं बताओ, 12 आते हैं, तो अगर मान लो आपके पास कितने हैं, आपने इस तरीके से जमाए हुए कि एक दर्जन ऊपर फिर एक दर्जन ऐसे कर करके आपने यहाँ पे रखे हुए, तो कितने दर्जन हो गए, ये एक एक दर्जन करके टोटल कितने दर्जन केले हो गए, सर 5। और तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल बनाना कितने हैं, इन 5 दर्जन के अंदर कितने बनाना, ठीक है, अब देखो अब ये समझो कि ये सबसे आपका लूप ऊपर वाला जो चला भाई, अब क्या हुआ आपने रूल चेंज कर दिए, अब क्या करोगे, आपने कहा कि जब हम एक, जब फर्स्ट वाला दर्जन बनाना रखेंगे तो उसमें कितने बनाना रखेंगे, हम एक ही बनाना रखेंगे, फिर जब दूसरा वाला दर्जन नीचे रखेंगे तो उसमें कितने बनाना रखेंगे, हम दो बनाना रखेंगे, फिर जब तीसरा वाला दर्जन हम रखेंगे तो उसमें कितने बनाना रखेंगे, तीन दर्जन रखेंगे, तो ये आपने डिसाइड कर लिया ऐसे, है ना। तो अब आप दो पर्सन थे, जो ऊपर वाला फर्स्ट क्या कर रहा, उसने ये बनाना उठा के दिया आपको, और इस दूसरा क्या जमाने वाला कि यहाँ पे जमाना है आपको, है ना, तो एक पर्सन ने क्या किया आपको बनाना दिए, अब इसको पता है कि भाई ऊपर वाला तो क्या कर रहा है, ऊपर वाला तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है भाई मैं तो बनाना दे रहा हूँ बस, और तुम्हें क्या करना है यहाँ पे जमाते हुए चलना है, तो इसको पता है कि भाई मुझे कैसे जमाना है, तो इसके पास जो ठेला होता है ठेले के ऊपर उसको बनाना जमाना, तो इसने क्या कहा आज हम एक काम करते हैं बनाना को सिंपल तरीके से यूं जमाएंगे इस तरीके से एक के ऊपर एक, तो इसने क्या किया ये फर्स्ट टाइम चला, इसने क्या है वहां से बनाना उठा के दिए इसको, कितने बनाना भाई, इसको पता है कि आज इसको कितने बनाना जमाने, 4 बनाना ही जमाने, तो ये चाहे कितने भी बनाना दे दे ये कितने बनाना जमाएगा यहाँ पे 4, तो फर्स्ट टाइम जब उसने कहा कि ठीक है बनाना जमाओ तो इसने कितने जमा दिए, 4 जमा दिए, दूसरी बार इसने कहा चलो अगली लाइन भी जमाओ तो इसने क्या किया 4 बनाना और जमा दिए, फिर और कहा तो ऐसे कर करके इसने क्या किया ठेले के ऊपर 4-5 लाइने इस तरह 4-4 बनाना से बना दी, चलो ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, इसने कहा कि नहीं मैं तो इस तरीके से बनाना जमाऊंगा, पहले फर्स्ट बनाना फिर सेकंड बनाना फिर थर्ड बनाना, ऐसे जमाना चाहता हूँ आज, तो इसने क्या कहा ठीक है, तो फिर वापस से दो पर्सन है, ये वाला पर्सन क्या आप करेगा इसको बनाना देगा कि हाँ ठीक है भाई जमाओ, इंस्ट्रक्शन देगा, ये क्या करेगा ठीक है हाँ जमा दिया, बट आज इसको जमाना है इस तरह से, तो इसने क्या किया जब ये इसने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं, तो इसने कहा चलो ठीक है भाई पहले वाली लाइन जमाओ, तो इसने क्या किया ठीक है पहले वाली लाइन में कितने बनाना रखने हैं, एक बनाना रखना है, रख दिया, फिर उसने कहा चलो दूसरी लाइन में इसने क्या किया दो बनाना रख दिए, फिर उसने कहा तीसरी लाइन तो तीन बनाना रख दिए, ऐसे करके ये वाली सीरीज बनी। अब ये बनाना वाला मेथड अपन यहाँ अप्लाइड करके देखते हैं, तो ऊपर वाला लूप क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, और अंदर वाला लूप कौन सा हो गया सेकंड पर्सन, ये दो पर्सन है, इसने कहा कि भाई कितनी लाइनें जमानी है, भाई मैं तो 5 लाइनें जमाना है, तो ये क्या है अकॉर्डिंग टू कॉलम चलेगा इस तरीके से कि ये आपको क्या कितने 5 कॉलम्स आपको बनाने, और अंदर वाला क्या करता है रो बनाता है, आप इसको टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हो इस तरीके से, अगर आपको एक टेबल बनानी है तो ऊपर वाला लूप क्या करेगा कॉलम्स बनाएगा इस तरीके से,
ये आपके कितने कॉलम्स हो गए, और ये क्या रो वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हो आप। तो अब इस कॉन्सेप्ट में आपको फर्स्ट वाला लूप चलाते हैं, देखो फोर आई इन रेंज, रेंज कितना अपन रखते हैं 1.6, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। प्रिंट आपने किया आई और इसको रन किया, तो ये क्या बता रहा है, लाइनें तो बता रहा है ना, फर्स्ट वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन, थर्ड वाली लाइन, जो ऊपर वाला लूप है वो क्या समझा रहा है आपको, लाइनें बता रहा है ना कि ये फर्स्ट वाली लाइन है, ये सेकंड वाली लाइन है, थर्ड वाली लाइन है, फोर वाली लाइन है और फाइव वाली लाइन है ना। ये तो सिर्फ हमें लाइन्स बताने का काम कर रहा है, बट इन लाइनों में कितने आइटम्स जमाने ये कौन बताएगा हमें, इसके लिए हमें एक और पर्सन की जरूरत है, और वो पर्सन कौन है, इनर लूप, यानी कि हमें एक और पर्सन की जरूरत है। तो हमने क्या कहा, चलो ठीक है एक और पर्सन को यहाँ बैठो जो हमारे लिए क्या करेगा, आइटम जमाएगा। तो आपने क्या किया, चलो ठीक है भैया हमने एक और पर्सन रख लिया। अब इसने कहा कि मुझे एक लाइन में कितने जमाने हैं, मुझे एक लाइन के अंदर कितने, पांच बनाना जमाने हैं अब की बार। तो इसने कहा कि ठीक है जब मैं कहूँ कि भाई पहली लाइन तो तुम कितने बनाना जमाना, पांच बनाना। तो इसने कहा ठीक है भाई, आपने कहा तो ठीक है मैं पांच बनाना यहाँ पे जमा देता हूँ। और ये प्रिंट लिख करके इसने क्या किया, यहाँ पे जे की वैल्यू लिख दी कि भाई मैं बनाना रख रहा हूँ यहाँ पर, और इसके लास्ट में मैं कोई भी गैप नहीं रखूंगा, कंटिन्यू चलाऊंगा। तो आप क्या करना, जैसे लाइन कंप्लीट हो जाए ना तो मुझे बता देना। तो ये क्या हुआ, जैसे लाइन कंप्लीट हो जाए तो इसने बताया कि हाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लाइन कंप्लीट हो गई मेरी वाली, कि मैं यहाँ पे लाइन को कंप्लीट कर दूंगा, फिर तुम अगली लाइन से जमाना। तो इसने क्या, जब ये लूप फर्स्ट टाइम चला तो ये कितने टाइम चला, फाइव टाइम चलेगा या कितने टाइम चलेगा बताओ। अरे बताओ यस और नो तो बताओ। इसने कहा कि चलो ठीक है भाई ये फर्स्ट वाली लाइन है, ये मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट वाली लाइन है। तो इसने कहा अच्छा फर्स्ट वाली लाइन है तो इसको पता भाई पांच बनाना जमाने, तो इसने यहाँ पर कितने बनाने जमा दिए, 1, 2, 3, 4, 5 जमा दिए है ना। उसने बस फिंगर टिप किया कि भाई ये वाला लाइन वन है। अब इसने क्या कहा, चलो ये लाइन खत्म हो गई यहाँ पे, ये लाइन खत्म कर दी और अगली वाली लाइन पे आ गया। फिर इसने कहा ठीक है मैं सेकंड वाली लाइन चालू कर रहा हूँ भैया। इसने कहा अच्छा सेकंड वाली लाइन, ठीक है मुझे वापस से कितने जमाने हैं, एक से लेके पांच तक ही जमाने। इसने क्या किया, वापस से पांच जमा दिए बनाना। फिर ऐसे करते करते इसने पांच लाइनें बना दी। तो इसने क्या किया, ऐसे ही करते करते यहाँ पे पांच पांच बनाना हर लाइन में जमा दिए। तो अब देखो जब इस लूप को आप रन कर रहे हो तो ये सेम काम कर रहा है। देखो वो फर्स्ट वाली लाइन चालू की उसने, तो इसने कितने बनाना जमा दिए, पांच। फिर अगली वाली लाइन चालू की, फिर पांच बनाना जमा दिए। फिर अगली वाली लाइन चालू की, फिर पांच बनाना, ऐसे कर करके उसने 1, 2, 3, 4, 5 बनाना की लाइनें जमा दी। अच्छा अब ये बोल रहा है कि भैया यार तुम्हारा ये जो काम था तो बिल्कुल सिंपल था, भाई कुछ ऐसा लाओ जिससे जो कस्टमर है वो क्या हो जाए, इंप्रेस हो जाए। तो इसने कहा चलो ठीक है अब क्या करें। उसने कहा कि एक काम करो, जब मैं फर्स्ट वाली लाइन बोलूंगा ना तो उसमें एक ही बनाना रखना, दूसरी वाली लाइन में कितने बनाना रखने, दो बनाना रखने, तीसरी वाली में कितने, तीन रख देना, बस ये कर लो आज। तो इसने कहा मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि आपको कौन सी लाइन में कितने बनाना रखने। तो इसने कहा कि जब मैं बोलूंगा ना एक, एक बोलूंगा तो कितने बनाना रखोगे तुम, एक रखना, और जब मैं कहूंगा ना दो तो कितने बनाना रखने, दो। तो इसने कहा अच्छा तो ठीक है तो मैं किसकी सुनूं। उसने कहा ठीक है तुम मेरी सुनो, तो ये कौन है, आई। तो इसने कहा चलो ठीक है मैं काम करूंगा, मैं जब बोलूं ना, मैं जितना बोलूं यहाँ से उतने बनाना यहाँ पे रख देना। तो इसने कहा ठीक है, इसने कहा अब आप जो भी बोलोगे ना उतने बनाना मैं यहाँ पे रखूंगा, अपनी मर्जी से नहीं रखूंगा। इसने कहा चलो ठीक है रन करते हैं। तो फर्स्ट वाले ने क्या कहा कि भाई मैंने कहा एक, तो इसने एक बनाना रख दिया ऊपर। फिर सेकंड वाले ने क्या कहा कि भाई अब क्या दूसरी लाइन है, एक मिनट को, हाँ सेकंड वाले में क्या, वो दूसरी बार चला तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। तो इसने क्या कहा कितने बनाना रखने हैं, 2+3, यानी कि कहां तक चलेगा, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो 2 टाइम्स चलेगा। तो ऐसे कर करके ये क्या हुआ, इसने कहा 2, तो इसने कितनी बार कहा ठीक है भाई 2 टाइम्स चलना है। फिर इसने कहा इसकी आई की वैल्यू 3 हो गई, तो ये कितने टाइम्स की चला, 3 टाइम्स चला। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है आई के ऊपर, यानी आई जितना होगा उतनी टाइम्स ये चलेगा, है ना, क्योंकि अब ये अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है। जे ये किसकी मर्जी से चल रहा है, आई की मर्जी से, अगर आई की जो मर्जी होगी वही चलाएगा ये। अगर इसने कहा ना कि मैं तो उल्टा चलूंगा भैया,
मैं तो एक काम करूंगा, 5 से चलूंगा मैं, पहले 5 बनाना रखना चाहता हूँ और यहाँ तक चलूंगा। तो इसने कहा ठीक है भैया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कहो वैसा चला लो। तो ये लो, उसने जैसे बोला नीचे वाला वैसे ही काम कर रहा है, नीचे वाले ने तो कुछ चेंज ही नहीं किया ना, ऊपर जो मालिक जो बोल रहा है सर्वेंट वही काम कर रहा है बस। तो ये समझो ये तो हो गया मास्टर और ये कौन हो गया सर्वेंट। तो ऊपर ये बोलेगा भाई 5, तो ये कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। इसने कहा 2 टाइम्स, तो ये चलेगा 2 टाइम्स। अब बताओ इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन? अरे घबराओ मत, हो नहीं अगर आपको अभी भी नहीं आया समझ में तो फिर से बताओ, फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके आऊंगा मैं। आज जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आगे वाले टॉपिक पे नहीं जाएंगे। अब ये बताओ आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट आया समझ में? सर, एक बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। देखो एक बार मैं इसी कॉन्सेप्ट को वापस रिपीट करता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। ये समझो ये तो है कौन, मालिक मास्टर, और ये कौन है सर्वेंट। किस केस में? जब ये भाई पहले तो ये अपनी मर्जी से जमा रहा था ना भाई, ये कह रहा था कि भाई मैं तो चलूंगा कहां तक, मैं तो हर लाइन में कितने बनाना जमाऊंगा, 5 बनाना जमाऊंगा, चाहे तुम कितने ही बोलो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर ये क्या बोलता, नहीं भाई ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, शॉप तो मेरी है तो मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा ना। तो इसने कहा ठीक है भाई साहब, अगर आप कह रहे हो तो ये लो आपकी बात मान ली मैंने। तो आई क्या हो गया, ऊपर वाले सर्वेंट की बात हो गई। तो इसने कहा कि भाई जैसा सर आप बोलेंगे ना मैं तो वैसे ही करूंगा। आपने कहा 1 तो मैं 1 ही बार रखूंगा, आप बोलोगे 2 तो मैं कितना रखूंगा, यहाँ पे 2 रखूंगा, आप बोलोगे 3 तो मैं यहाँ पे कितना रखूंगा, 3 ही रखूंगा। अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। तो इसने कहा चलो ठीक है। तो देखो अब ये वैल्यू कहाँ से जनरेट हो रही है, यही तो जनरेट हो रही है। पहले इसने कहा कि भाई एक काम करो तुम 5 से स्टार्टिंग करना आप, है ना, और लास्ट में क्या कर देना 1 रखना। तो इसने कहा ठीक है सर जैसा आप बोलते हैं वैसा मैं करता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले कितने वैल्यू की, स्टार्टिंग वैल्यू की 5 से, तो इसने कितने जमा दिए नीचे यहाँ तक, 5 जमा दिए। फिर इसने कहा 4, भाई कम होता चलेगा ना, अगली वैल्यू 4 होगी, तो ये कहाँ तक चलाएगा, 4 तक चलाएगा। फिर इसने कहा नहीं यार आज दूसरे तरीके से रखते हैं, इसने कहा चलो एक काम करते हैं मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और 5 तक बोलूंगा, तो जैसे मैं बोलता चलो ना वैसे वैसे जमा देना। तो इसने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ये जो आपका ऊपर वाला मालिक है, इसने कहा भाई अभी मैंने क्या कहा 1, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की 1 से, तो कितने जमाने हैं तुम्हें, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 1 से लेके 2 तक कितनी बार चलेगा लूप, 1 बार चलेगा। और जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जे की वैल्यू प्रिंट होगी 1। तो देखो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। सेकेंड टाइम जब ये लूप चला तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यानी कि 1 से लेके 2 तक चलेगा। तो इसने कहा ठीक है सर आपने 2 बोला है तो मैं 2 ही जमाऊंगा यहाँ पर। तो इसने क्या है इस लूप को कितनी बार चलाया, 2 टाइम्स चलाया, वो 1 और 2। इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसने क्या कहा 3 + 1 कितना हो गया 4, यानी कि कहाँ से, 1 से लेके 3 तक ये लूप चलेगा। तो इसने कितने टाइम चलाया जे को, 3 टाइम्स, तो देखो यहाँ पे 3 टाइम्स चला दिया। तो मतलब जैसे जैसे ऊपर वाला पर्सन बोल रहा है वैसे वैसे नीचे वाला लूप चल रहा है, नीचे वाले लूप को तो कोई मतलब ही नहीं है। उसने कहा कि जो मालिक ने बोल दिया, आगे कुआ है तो कुएं में कूदना है, खाई है तो खाई में कूदना है, कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मालिक ने कहा है तो ये मालिक की बात माननी। तो मालिक की बात कैसे मानी, जो वेरिएबल ऊपर वाले फोर लूप ने यूज कर लिया वो ही नीचे वाला यूज करके काम कर रहा है। अब ये अपनी मर्जी से, अगर ये अगर आप इसको अपनी मर्जी से काम करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे इसकी खुद की बात माननी होगी, यानी जे खुद की बात मानेगा, तब जा करके ये हर बार 5 5 रखेगा। और अगर ऊपर वाले की बात माननी है तो भैया ऊपर वाले का जो वेरिएबल है वो यहाँ रख दो, अब जैसे ऊपर वाला कहेगा वैसे ये नीचे वाला लूप काम करेगा। अब बताओ इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? नो चलो इसको ट्राई करके देखो, ट्राई करने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, ठीक है? तो मैं आपको कुछ और सीरीज बना के बताऊंगा फोर लूप से कि डिफरेंट डिफरेंट सीरीज कैसे बनाते हैं। तो अभी हमने सिर्फ क्या ट्राई किया है, अभी हमने एक सिंपल सीरीज ट्राई की है, एक तो ये वाली सीरीज है ना, और एक हमने कौन सी उल्टी ऐसे रिवर्स में पाइप आ जाएंगे और फिर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 4 आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो ये वाली सीरीज है अपनी, आप दोनों प्रिंट कर सकते हो। कैसे भाई, ये चाहे कैसे भी प्रिंट करे, किसके ऑर्डर पे कर रहा है, मास्टर के ऑर्डर पे। तो मास्टर ने कहा ना कि मैं स्टार्टिंग आवर्स 5 से करना चाहता हूँ, तो ये 5 से करेगा।
उसने कहा कि नहीं मैं तो भैया वन से स्टार्ट करूंगा, तो ये वन से कर, नीचे वाला कुछ नहीं कर रहा है, नीचे वाला क्या है ये समझो कठपुतली है, किसके ऊपर वाले की, नीचे वाला सर्वेंट है और ऊपर वाला कौन है मास्टर है, तो मास्टर ने जैसा कहा वैसा ये सर्वेंट करेगा, कब, जब आपने इसको सर्वेंट डिक्लेयर कर दिया, कैसे, कि यहाँ ये किसकी बात मान रहा है, ऊपर वाले आई की, अगर ये खुद की जे की बात मानेगा तो ये खुद हो गया सेल्फ डिपेंडेंट हो गया ना, इंडिपेंडेंट हो गया, ये इसका कोई कंट्रोल नहीं है नीचे वाले पे, भाई ऊपर वाला चाहे वन बोले टू बोले थ्री बोले इसको कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। सर, जब भी यस यहाँ नीचे वाले लूप में जेड आ रहा देखो, अगर जे रख दिया आपने, जे रख दिया आपने, तो अब ये क्या है, मालिक की तो सुनेगा ही नहीं, इसने क्या बोला मुझे कहां से कहां तक, नहीं जे नहीं, एक्चुअली यार जे कैसे डालोगे, जे तो खुद ही जहां जनरेट हो रहा है ना, जे नहीं डालना है, मतलब जे का मतलब है कि सिक्स तक, भाई इसने मन बना लिया कि इसे तो फाइव तक चलना ही चलना है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, ये जे अपन तब यूज कर सकते हैं जब इसके अंदर भी एक लूप आपने रखा हो, तब अपन इस जे की बात उससे मनवा सकते हैं नीचे वाले से, अभी अभी एक बात, अब ये ऊपर वाले लोग की बात नहीं मानेगा, ये क्या बोलेगा, या मुझे तो आज अगर चावल राइस खाने हैं या आलू के पराठे खाने हैं तो खानी है, चाहे ऊपर वाला कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया यहाँ पर, इसने पहले डिसाइड कर लिया, पहले माइंड मेकिंग कर ली कि मुझे तो फाइव टाइम चलना है चाहे ऊपर वाला कितने भी बोले, तो जब आप इसको रन करोगे तो ऊपर वाला लूप अगर एक बार भी चलेगा तो नीचे वाला कितनी बार चलेगा, हर बार 5 बार ही चलेगा, वो नहीं मानने वाला ऊपर वाले की बात, और ऊपर वाला बोला नहीं भाई ये थोड़ी बात होती है, अब तो मैं जैसे कहूंगा वैसे चलना पड़ेगा, ये समझ लो ये फादर और ये सन, इसने कहा कि आपको बेटा आप एक कदम चलो तो ये बेटा एक कदम ही चलेगा, फादर ने कहा बेटा दो कदम चलो तो ये बेटा क्या करेगा, दो कदम चलेगा, कैसे, ऊपर वाला किससे, इसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है आई के थ्रू, तो ये आई जो है हमने ये बात किसके कान में डाल दी, इस छोटे सन के, अब फादर क्या बोल रहा है, भैया बेटा एक कदम चलो तो ये कितने टर्न चलेगा, एक कदम चलेगा, फिर दूसरी बार बोला बेटा एक काम करो दो कदम चलो, तो इसने क्या कहा चलो ठीक है पापा दो कदम चलता हूँ, तो ये वैसा वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, तो अब जब आप रन करोगे तो ऊपर वाला जो बोलेगा ना भाई एक कदम चलो, तो बच्चा एक ही कदम चला, फिर इसने कहा अच्छा बेटा एक काम करो दो कदम चलो, तो वो कितने कदम चल रहा है, फिर वो दो कदम चल रहा है, देखो बस कैसे भी समझ लो कॉन्सेप्ट को, बात हुई है, मतलब अब ये जो है अंदर वाला है वो किसकी बात मान रहा है, ऊपर वाले लोग के, दैट्स इट, अब ऊपर वाला बोले कि भाई पहले काम करो तो 5 कदम चलो, तो ये नीचे वाला क्या करेगा, 5 कदम ही तो चलेगा, बस वैसा वाला कॉन्सेप्ट है, अब आज एक काम करना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप यूज कर नाइट वाला लो, कैसा होता कौन सा वाला, वाला तो अरे एक तो दोबारा रिपीट करो मैं सुन नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे थे, कौन सा, फाइव वाले इनफाइनाइट के, इनफाइनाइट वाला लूप, अरे इनफाइनाइट वाला लूप। इनफाइनाइट वाले के लिए तो ऊपर वाइल लगाना पड़ जाएगा आपको, समझ रहे हो ना, अगर इनफाइनाइट चलाना है ना तो एक काम करो यहाँ ऊपर वाइल यूज कर लो फिर, और वाइल में क्या कर दो ट्रू लिख दो भाई, इनफाइल इनफाइनाइट करना मत, वैसे ऐसा क्वेश्चन मैं मुझसे किसी भी स्टूडेंट ने आज तक पूछा नहीं है, आपने पूछ लिया इसलिए करके बता रहा हूँ, यहाँ पे है ना आई की एक वैल्यू ले लो, आई की वैल्यू ले लो 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ पे जब ये प्रिंट होगा तो प्रिंट के साथ में आप एक और चीज कर दो, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, भैया अब ये हो गया इनफाइनाइट लूप, अब ये नहीं रुकने वाला, अगर आपने इसको रन कर दिया ना कहीं मेरा सिस्टम क्रैश नहीं हो जाए, और भाई साहब भैया अगर मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया ना तो फिर देखना इसके जिम्मेदार तुम होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट लूप चालू कर दिया मैंने, पार्ट सुन रहे हो ना ये सर इनफाइनाइट लूप, बंद चलो ठीक है, कर चलो दो सर, ठीक मैं है अपने में ट्राई मारूंगा, मेरे को कोड दिखा दे इसका। हाँ ये रहा कोड भैया, देखो इसीलिए तो अपन वाइल लूप को यूज करते हैं, वाइल लूप क्या है इनफाइनाइट टाइम चल सकता है, फोर में तो क्या लिमिटेड टाइम रेंज देनी पड़ती है, यही डिफरेंस होता है वाइल और फोर का, अब तो चाहो सर हम में इंफिनिटी लगा सकते, भाई इसमें इन्फिनिटी कैसे दोगे आप बताओ, रेंज में तो पर्टिकुलर रेंज से की तो दे सकते हो, कोई भी नंबर यहाँ एंटर करोगे तो आपको, जैसे मान लो आपने 10 एंटर किया तो 10 टाइम्स चलेगा, फोर में प्रॉब्लम ये है, बट अगर यहाँ पे आपने, ये क्या कंडीशन बेस्ड लूप होता है, इस वी कॉल्ड इट एंट्री कंट्रोल लूप, तो आपने क्या कर दिया एंट्री कंट्रोल लूप कर दिया, अब ये आपने वाइल को कर दिया ट्रू, और ये अगर आपका चाहे 10 दिन भी कंप्यूटर चल रहा होगा ना तो ये 10 दिन तक ही नहीं रुकेगा।